हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 एंड वी आर एट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल EGF। चलिए जी ट्रायंगल्स बनाते हैं पहले, ACB ये कुछ मजेदार नहीं बना, दोबारा से बनाएंगे इसको। एक ट्रायंगल है एसीबी, राइट, और एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे ईजीएफ। राइट, अब इसने हमें क्या बोला, इसने हमें बोला कि ये बोलता है CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। CD एंड GH ठीक, यानी हम इसको ऐसे ले लेते हैं, This is C and D, this is G and H, और ये बोलता है DH and H lies on the sides AB, A, B and H lies on EF, FE, okay. What we have to show, triangle ABC is similar to triangle FEG, right? Show that, okay. चलें जी ये देखें, इसको मैं angle 1 और इसको मैं angle 2 ले लेता हूँ, इसको angle 3 और इसको एंगल 4 ले लेता हूं। चलिए जी अब बात करते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, गिवन CD एंड GH आर पहले है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, फिर आल्सो बोलता है CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB and GH is bisector of angle FGE, ये हमें question में given है। So हमारे पास to prove हमें तीन चीजें prove करनी है, CD upon GH is equals to AC upon FG, second हमें प्रूव करने का है ट्राइंगल DCB is similar to triangle HGE, एंड थर्ड हमें प्रूव करने का है तो चलिए जी प्रूफ पे बात करते हैं।
इन ट्राइंगल, सॉरी हमारे पास क्या दिया है, हेयर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, देयरफॉर ए बी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी. This implies that half of angle C is equals to half of angle G. This implies that angle 1 is equals to angle 3, angle 2 is equals to angle 4. ठीक है जी, ये हम लोगों ने कर दिया. Now अब हमारे पास क्या बोलता है, तो देखिए इन ट्राइंगल हम लोग बात करते हैं एडीसी एंड ट्राइंगल एफएचजी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल फोर. दोनों केसेस में ये अबव प्रूव किया गया हमने, तो प्रूव्ड अबव, देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफएचजी बाय एए क्राइटेरिया. अब इस क्राइटेरिया से ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ये हम लोगों ने सिमिलर प्रूव कर दिया. चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज करेंगे. बाय ए ए क्राइटेरिया दिस इज, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. तो देयरफॉर CD upon GH is equals to AC upon FG. तो ये हमने प्रूव कर दिया. So this is proved. Second part देखते हैं. In triangle DCP and triangle HDE, angle 1 is equals to angle 2. एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, फिर से दोनों केसेस में प्रूव्ड अबव. देयरफॉर ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई. ठीक है जी, बाय ए ए क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया हमारा पहले यूज हो रहा था सेम वही क्राइटेरिया हमारा अभी भी यूज हो रहा है. तो बाय ए ए क्राइटेरिया, तो दिस इज प्रूव्ड. दिस वाज सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट को हमने ऑलरेडी प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड इन फर्स्ट किया हुआ ना. यहां तक अगर आप देखेंगे
तो इन ट्राइंगल डीसीए या एडीसी एक ही बात है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस डीसीए, सॉरी यहां नहीं, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डीसीए एंड एचजीएफ और डीसीबी तो हमने इसमें डीसीए और एचजीएफ को ऑलरेडी हम लोगों ने इस ट्राइंगल के हिसाब से प्रूव किया हुआ है, तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव कर लिया हुआ है, क्योंकि ये इसमें हमने पहले सिमिलर ही क्राइटेरिया प्रूव किया था एंड देन हम लोग आगे चले थे, तो ये इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन फर्स्ट। शाबाश, आप इसको नोट करें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है इन फिगर 6.40 इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इक्वल्स टू एसी। तो हमें दिया गया है ये एबी इक्वल्स टू एसी है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ओके, एंड ईएफ इज परपेंडिकुलर टू एसी, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी चले जी, अब हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, एबीडी एंड ईसीएफ। तो चलें देखें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है एबी इज इक्वल्स टू एसी, ये गिवन है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड EF perpendicular to prove ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ। चलिए जी प्रूफ की बात करते हैं। अब आप देखिए यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हियर एबी इक्वल्स टू एसी, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और एबी इक्वल्स टू एसी है, तो जब ऑपोजिट साइड्स होती है ना, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जो इक्वल साइड्स के वो भी इक्वल होते हैं, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो ए बी के ऑपोजिट में एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, सॉरी अब डी मत लिखिए, बी ही लिखिए, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, और इन नटशेल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। राइट, अब आप देखें यहां पे तो आप देखें यहां पे इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी and triangle ECF
एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी ईच 90 डिग्री एंड एंगल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्रूव्ड अबव, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF proved. शाबाश, आप नोट करें फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि ए बी एंड बी डी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, क्यू आर एंड पी एम एफ ट्रायंगल पी क्यू आर, शो दैट ट्रायंगल. ओके, तो गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एन, ये गिवन है. टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ प्रूफ देखते हैं इसका. ध्यान से देखना अभी सभी लोग. मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सिंस ए डी इज मीडियन टू बी सी, देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी. Also, इसको आप नंबर वन ले लीजिए. Also, PM is median to QR. तो therefore, क्या जाएगा? QM is equals to half of QR. इसको आप नंबर टू ले लीजिए. ठीक है, ये हमारे पास आ गया बी डी इज इक्वल्स टू, क्योंकि मीडियन ऑपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. फिर आल्सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, राइट, ये गिवन है हमें. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर को मैं लिखूंगा हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी में जब भी बात करते हैं, रेशियो में जब भी बात करते हैं, हम अगर ऊपर नीचे वाले नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो वो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इज इक्वल्स टू
एडी अपॉन पीएम। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ एबी अपॉन पी क्यू हाफ ऑफ बी सी को हमने क्या लिया था, बीडी हमने इसको क्या लिया, हमने इसको बीडी ले लिया, हाफ ऑफ बी सी की जगह हमने बीडी लिख दिया और हाफ ऑफ क्यू आर की जगह हमने क्यू एम लिख दिया इज इक्वल्स टू एडी अपॉन पी एम। यहां पे लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ना ये तीनों साइड्स जो हैं, ये जो मैंने निशान लगाए हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम आ गया, तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये हो जाएंगे सिमिलर, क्योंकि बाय एसएसएस ये सिमिलर हो जाएंगे, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, अब देयरफॉर अगर ये इक्वल सिमिलर है तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। नाउ अब देखें इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन क्यूआर। ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमने साथ में क्या ले लेना है, ये एंगल हमने ले लेना है, ये एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी हमारे पास आ जाएगा, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस क्राइटेरिया। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है बच्चे, ठीक है हमें यही प्रूव करना था, तो भाई एस ए एस क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, सो बाय दिस वी हैव डन दिस क्वेश्चन आल्सो एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी है। हमने पहले क्या किया, हमने पहले ये ट्रायंगल को क्या किया, सिमिलर प्रूव किया और उसका एंगल बी और एंगल क्यू को सेम बना दिया और फिर हमने एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। तो शाबाश, करिए इसको नोट, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछे और नहीं तो नोट करें और इसके आगे हम लोग कल चलेंगे और इसको फिनिश करेंगे। तो वी कीप इट टिल हियर, आज इतने रखेंगे, कल आप मुलाकात करते हैं इससे आगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश अप द थिंग्स, सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू प्रैक्टिस एंड डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जय हिंद।